गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन दिस इज योर ऑनलाइन बायो क्लास फॉर क्लास टेन स्टूडेंट्स एज यू नो वी वर डिस्कसिंग चैप्टर सिक्स रिप्रोडक्शन ओके एंड इन रिप्रोडक्शन वी वर डिस्कसिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स आपको पढ़ाए हैं और उन डिफरेंट मोड्स को हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था fission, जिसे हम लोगों ने देखा था और ये अमीवा में होता था और प्लाज्मोडियम में होता था टू टाइप्स के होते थे बाइनरी एंड मल्टीपल फीजन ओके इसके बाद हम लोगों ने देखा बर्डिंग जो बेसिकली हाइड्रा एंड इस्ट में होता था बर्डिंग में बर्ड्स का फॉर्मेशन होता था और वो बाद में फिर न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता था टुडे बहुत सारे स्पोर्ट्स बनाते हैं हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ स्पोर्ट्स बनाते हैं और स्पोर्ट्स एक uh, स्पोर्ट कास्ट के अंदर होता है जब ये स्पोर्ट कास्ट मैचर होकर बर्स्ट करता है फटता है तो ये सारे स्पोर्ट्स एयर में स्प्रेड कर जाते हैं और फिर एयर से होते हुए ये लैंड पर uh, पहुंचते हैं जहां जर्मिनेशन होता है और नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं सो एग्जाम्पल राइजोपस म्यूकर एटसेट्रा तो यहां पर हम लोग राइजोपस के एग्जाम्पल से देखते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन होता कैसे है एज यू आर वॉचिंग स्टूडेंट, यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने एक राइजोपस प्लांट को बनाया है ये राइजोपस बेसिकली ब्रेड मोल्ड फंगी है ओके okay? तो राइजोपस में देखिएगा फर्स्ट पार्ट में जो आपको दिख रहा होगा उसमें स्पोरेंजियम है दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि ये स्पोर कास्ट बर्स्ट कर जाता है दैट मींस आउटर कवर इसका बर्स्ट कर जाता है और इससे सारे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं ओके स्टूडेंट सो दिस इज द वे ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस और ब्रेड मोल्ड ओके न स्टूरेंट्स इज द फोर्थ टाइप ऑफ ऑफ सेक्सुअल रिपोर्डक्शन एंड इट इज रीजनरेशन सो इट इज द मोड ऑफ सेक्ल रिपोडक्शन इन विच द स्मॉल कट पार्ट ऑफी ऑर्गेज्म कैन ग्रो इन टू होल ऑर्गेनिज्म स्टूरेंट इसे मैं आप सभी के, को ईजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता क्या है अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का कोई पार्ट अगर कट जाता है तो उस कटे हुए पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है यह बेसिकली हाइड्रा में भी होता है प्लेनेरिया में भी होता है तो इसे हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि होता क्या है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया सपोज करिए आप यहां पर देख रहे होंगे सिंगल एक प्लेनेरिया इंडिविजुअल है इस प्लेनेरिया को तीन पीस में कट कर दिया गया अपर पार्ट को अलग कर दिया गया मिडिल पार्ट को अलग कर दिया गया लोअर पार्ट को अलग कर दिया गया जैसे ही इन पार्ट को कट करते हैं इन पार्ट्स में रीजनरेशन होना शुरू हो जाता है और इन कट पार्ट से थ्री न्यू इंडिविजुअल प्लेनेरिया का बर्थ हो जाता है ये प्रोड्यूस हो जाते हैं ओके स्टूडेंट्स तो इस तरीके से प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है और इसी प्रोसेस को रीजनरेशन कहा जाता है ओके स्टूडेंट्स तो आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स